और जो नूरियाबाद में हमने जगह ली थी फैक्ट्री के लिए। नूरियाबाद? जी जी बिल्कुल, 8 एकड़ का प्लॉट है, 10 साल पहले लिया था। मैं एक काम करता हूँ कि करंट मार्केट वैल्यू का पता करा लेता हूँ। मौली साहब, कंपनी की मिल्कियत में जो भी चीज़ है ना, उसकी कीमत सही लगवाइए। मीटिंग में हर चीज़ साफ और शफाफ अंदाज में सामने होनी चाहिए। जी बिल्कुल ज़रूर, मैं ये करके रोहेल से मीटिंग में बाकी सब चीज़ें तय कर लूँगा। लेकिन इतनी जल्दी ये सब कुछ मुमकिन नहीं है, मुझे कुछ वक्त दरकार है। ले लें आप वक्त, ले लें, लेकिन इस बात का ख़ास ख्याल रखिएगा कि यह मामला जल्द से जल्द हल होना है। बहुत शुक्रिया गौरी साहब, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। लुई, क्या बात है बेटा, परेशान लग रही हो, तबीयत ठीक है? मैं ठीक हूं बड़े अबू, मुझे क्या होगा? बेजान की फिक्र है मुझे, ना कुछ खा रही है, ना किसी से बात कर रही है, बस उनकी फिक्र है। बेटा तुम्हारी बीजान जो है ना, बहुत हसास तबीयत की मालिक, जरा सी भी बात उनकी तबीयत पे बहुत भारी गुजरती है। इस घर की तकसीम ने उनके ऊपर एक सानिया से गुजरा। हम तो घर से बाहर मसरूफ रहते थे, बेटा असल घर तो उन्होंने बनाया, और इस बात का एहसास जब मशकूर मियाँ को होगा ना, तो अपना सर पीटेंगे। बड़े अबू, क्या ये मामला किसी सूरत हल नहीं हो सकता? जब अकल पे पर्दा पड़ जाए ना, तो बड़े से बड़े दानिश्वर को लोग बेवकूफ समझते हैं। तो मैं तो कहता हूं कि जो हो रहा है होने दिया जाए। आपके कहने से भी चचा जान अपना फैसला नहीं बदलेंगे? बेटा जब तक ये सारे मामला हल नहीं हो जाते। बड़े अबू,